ग्लोबल टीवी में आप सबका स्वागत है। आज हम डॉक्टर के जरिए फिटनेस के बारे में जानेंगे और हमारे अंदर के रोग के बारे में और एक खास बीमारी के बारे में भी। ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर तिरुनारायण मूर्ति जी। वेलकम डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर। वैसे हम सभी जानते हैं राइन डिजीज के कई सारे नाम हैं, अल्साइमर्स, नियोक्लोजम, पार्किंसन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। इसके अलावा जिसे हम नहीं जानते हैं ऐसी भी कोई राइन डिजीज है डॉक्टर? या ऑफ कोर्स, आपने जो बताया वो राइन डिजीज ही है, पर इन सब के अलावा एक बहुत ही डेंजरस डिजीज भी है। यू आर गोइंग टू सी अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। लुक एट दिस विजुअल। As you see in the first animation in which the basketball injured and the bleeding stops, thrombocytopenia is an abnormality of platelets, extremely rare chronic bleeding disorder due to platelet abnormalities. If no fibrinogen bridging of platelets to other platelets can occur, the bleeding time is significantly prolonged. आपने इस वक्त जो फर्स्ट विजुअल देखा उसमें एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में चोट लगने पर कुछ ही देर में ब्लड क्लॉट हो जाता है, लेकिन सेकंड विजुअल में ब्लड क्लॉट नहीं होता। दिस इज थ्रोम्बोस्थेनिया। करोड़ों में से एक या दो लोगों को यह डिजीज होती है। एक छोटा सा भी घाव लगने पर जिंदगी को खतरा है डॉक्टर? नो। कोई भी छोटा सा घाव होता है तो 5 मिनट में आप बेहोश हो जाते हो, बट एट द सेम टाइम अगर घाव 1 सेंटीमीटर गहरा हो गया और चेस्ट, नेक, हेड ऐसी जगह पर घाव हो गया तो आप कंफर्म डेथ मानी है। मतलब जिन्हें ऐसी डिजीज है उन्हें छोटी सी भी चोट लग जाए तो क्या उनकी जिंदगी को खतरा है? ऐसा कुछ नहीं है। थ्रोम्बोस्थेनिया के शिकार लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्ल्ड में काफी कुछ साबित किया है। स्पेशली स्पोर्ट्स में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, वो भी नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, बट ओनली एट वन कंडीशन, कि उनकी बॉडी पर कोई चोट ना लगे, कोई घाव ना हो और वो सेफ रहे। आप हमारे यहाँ आए और एक बहुत ही अच्छी सलाह दी, उसके लिए धन्यवाद डॉक्टर। थैंक यू। इट्स रियली शॉकिंग। इस डिजीज के साथ हमारे राज्य में जीने वाले कितने लोग हैं? कितने होंगे कह नहीं सकता, लेकिन आज से 15 साल पहले जब मैं तंजावुर में था, एक बच्चे को उसके पापा हमारे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेकर आए थे। आज दोपहर में खेलते समय इसे चोट लग गई डॉक्टर साहब। छोटा घाव समझकर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसका खून बहना रुक ही नहीं रहा। मुझे घबराहट हो रही है डॉक्टर, ये काफी समय से बेहोश है। नर्स, डॉक्टर, लैब से किसी को बुलाओ। ओके डॉक्टर। कितना खून बह गया। ब्लड को लैब में फौरन टेस्ट के लिए भेजो और रिपोर्ट फैक्स करने के लिए कहो। ओके सर। इट्स वेरी अर्जेंट। आपके बच्चे को थ्रोम्बोस्थेनिया ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये बहुत ही रेयर डिजीज है। बच्चे का शरीर अगर कमजोर है और उसमें ग्लाइकोप्रोटीन लेवल लो रहता है तो थ्रोम्बोस्थेनिया होता है। अभी तक इस बीमारी के लिए कोई सही ट्रीटमेंट नहीं है। आज के बाद आपके बच्चे को कहीं चोट ना लगे, कहीं जख्म ना हो, इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह का होता है और आपके लड़के को एक्सटर्नल थ्रोम्बोस्थेनिया है। इस वक्त तो उसे एक छोटा सा घाव लगा था इसलिए हम उसे बचा पाए। अगर ये चोट बड़ी होती तो उसके जिंदगी को खतरा हो सकता था। दिस इज पुगड़ेंदी सुब्रमण्यम। यह है वो बच्चा जिसकी मैं बात कर रहा था। तब वो 3rd स्टैंडर्ड में था, पर अब वो कहां है मैं नहीं जानता। सर, पुगल को मैंने बाइक से जाते हुए देखा। ओके, हाल भी दे। यस सर। स्पोर्ट के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन जारी है। आज यहाँ जो जीतेगा उसका तंजावुर स्पोर्ट क्लब के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला होगा। खेल शुरू हो चुका है। आप जो देख रहे हैं वो लॉन्ग जंप है। मानिक सर डिस्टेंस चेक कर रहे हैं। अब आप जो देख रहे हैं वो डिस्क थ्रो है। अब शॉर्ट पुट का गेम चल रहा है। इनके हौसलों को देखकर लगता है ये प्राइज जरूर जीतेंगे।
200 मीटर्स हडल फाइनल कॉल चेस्ट नंबर 442 सोलोमन लेन नंबर 1 कुगलेंदी सुब्रमण्यम चेस्ट नंबर 501 लेन नंबर 2 तंजाबू सर आशीर्वाद पुगल कहां है बाइक पर आता ही होगा सर चेस्ट नंबर 458 माधवन लेन नंबर 6 अपना बेस्ट परफॉर्मेंस सर 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 आपसे एक रिक्वेस्ट थी सर दो मिनट के लिए रुक जाएंगे सर नो नो देवा कॉल रूम को तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था मुझे टाइम से स्टार्ट करना ही होगा लेन नंबर 5 प्लीज नो 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 सर संभालिए सर आपका लेस सारे खिलाड़ी तैयार हो जाइए रेस शुरू होने वाली है On your mark. Set. अब आपके सामने शुरू हो चुका है ऑब्स्टिकल रेस इसमें जो जीतेगा वो खिलाड़ी कोलकाता में होने वाला नेशनल सेमीफाइनल टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा तो उम्मीद करते हैं जो सबसे बेहतर खिलाड़ी होगा वो चुना जाएगा Yes! सर देखा आपने कांग्रेचुलेशंस सर थैंक यू कांग्रेचुलेशंस पुगल 1388 हे सर गले लग जा यार गले लग जा परफेक्ट टाइमिंग कम 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 थैंक यू अब हमारे मुख्य अतिथि आज के स्पोर्ट्स में जीते हुए खिलाड़ियों को प्राइज देकर सम्मानित करेंगे सभी खिलाड़ियों को मेरा नमस्कार आज का ये 87th स्पोर्ट्स मीट नए नए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित किया गया है जिसमें हमारे देश को बहुत अच्छे खिलाड़ी मिले हैं मैं उन सभी खिलाड़ियों का स्वागत करता हूँ देवराज हमने बच्चों को बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग दी है तुम्हारे नौजवानों ने बहुत अच्छा खेल दिखाया आज कांग्रेचुलेशन थैंक यू सर मैं पिछले 12 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ सर मेरा कोई भी प्लेयर किसी भी कंपटीशन में आज तक हारा नहीं है ये गॉड ग्रेस है सर अब सारे विजेता स्टेज पर आएंगे 110 मीटर का हर्डल फर्स्ट प्लेस पुगलेंदी सुब्रमण्यम तंजावुर सेकंड प्लेस सालेमन त्रिची थर्ड प्लेस सुजीत कुमार कोटे शॉर्ट पुट में फर्स्ट प्लेस रमेश तंजावुर लॉन्ग जंप फर्स्ट प्लेस संजय तंजावुर डिस्कस थ्रो फर्स्ट प्लेस तजियालाल तंजावुर 200 फर्स्ट प्लेस राकेश कोयंबटूर सेकंड प्लेस रोहित रुद्रपुरी रुक यार सर से मिलके ही जाएंगे इतनी जल्दी क्या है तुझे नो टाइम हेलो वीणू ऑलरेडी मैं 3 चढ़ा चुका हूँ जरा भी नहीं चढ़ी आज का सब डुप्लीकेट है ए, मुझे लगता है तू होश में नहीं है पीने के बाद अपने बाप को ही भूल गया अबे ये बाप का फोन था क्या अरे इतना क्यों पीता है रुक ना भाई बेटी होमवर्क कर रही हो कुछ नाराज लग रही है कभी कोई वादा नहीं निभाते सुन ये पापा को खाने के लिए बोल सुनो मैं एसपी साहब के साथ मीटिंग में गया था वहीं से खाना खाकर आ रहा हूँ थक गया क्या हुआ चेहरा भीगे हुए चने की तरह फूला है नाराज हूँ मैं अगर आप जल्दी आते तो हम लोग ग्राउंड पर जा सकते थे देखो अब कितने बजे हैं क्या पापा मैंने प्रैक्टिकल क्लास बंक की ताकि भैया की रेस देख सकूं और आप देखो अभी आए अरे तुम लोग भी ना तुम तो जानते हो वही जीतेगा तो क्या हमें देखने का मन नहीं करता हमारे बेटे का इंडिया में जीतना बड़ी बात नहीं है एक दिन वो इंडिया के लिए जीतेगा
तब हम शान से देखेंगे। मम्मी भैया आ गए। रुक जाए यार, क्या अपने आप बंद हो जाता है। इतना लेट क्यों हुआ बेटा? माँ, वो आते समय चार्ली स्ट्रीट होकर आया ना, इसलिए। ये मिलाकर 56, तुझे किसी की बुरी नजर ना लगे। कोच का फोन आया था। क्या पापा? नेशनल रिकॉर्ड बनाया तुमने? टाइमिंग क्या थी? 38। 13.88। जा। बेटा खाना परोस दिया है। मुझे लग रहा है अय्याशी तेरे टाइमिंग को खराब कर रही है। शराब तो फिर भी ठीक है, स्पोर्ट्समैन को सिगरेट कभी नहीं पीनी चाहिए। रात को 11 बजे आप कैसी एडवाइस दे रहे हैं? बाप का प्यार जाग उठा है। चलो ठीक है, लेकिन ये बात आप सुबह भी कह सकते थे, खाते वक्त ही क्यों? हेलो। ए बेवकूफ, खुद को समझता क्या है? अपने एरिया का बहुत बड़ा रोमियो है। एक बार मुझसे मिल, तेरे सारे कनेक्शन काट दूंगी, फिर कोई कॉल नहीं कर पाएगा तू। रॉन्ग नंबर है। 15 रॉन्ग नंबर है। नंबर तो सही है, रॉन्ग नंबर कह रहा है। रुक जा। अरे कौन है यार इस वक्त? पढ़ने का सिर्फ नाटक है। मम्मी भैया को देखो। बेटा इडली रखी थी, खा ली ना? हाँ खा ली माँ। नई इमली की चटनी बनाई थी, तूने बताया नहीं कैसी थी। बहुत अच्छी थी माँ, फिर कब बनाओगी? अच्छा माँ मैं जा रहा हूँ। संभल के जाओ। ओके माँ बाय। ए, कल रात मैंने उसकी अच्छी क्लास ली है, अब वो दोबारा तुझे फोन नहीं करेगा। कहाँ यार, देख उसने कितने एसएमएस किए हैं, और कल तो पूरी रात उसने फोन करके सताया है। क्या, मैंने उसकी इतनी बेइज्जती की फिर भी उसने तुझे एसएमएस किया? तूने नंबर तो सही दिया था ना, 9962800713। नहीं यार गलत है, मैंने 20 कहा था, तूने 00 कर दिया। ओह नो, रॉन्ग नंबर लग गया, उस बेचारे को कितना सुना दिया। पर तूने उसे कहा क्या? अरे बाप रे, खतरनाक है, अगर इस मैडम की बात थोड़ी देर और सुनी तो कान से खून निकलने लगेगा, उसे छोड़ना मत यार। तो रुक, तो उसे फोन करता हूँ। ए, उस नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, अब बता मैं क्या करूँ? अरे इसने तो फोन स्विच ऑफ कर दिया यार। तो ये बात है, तू एक कप चाय बोल, मैं सोचता हूँ। फोन स्विच ऑफ कर दिया तो अब क्या किया? चाय। मुझसे नहीं, उससे कहने के लिए बोला था मैंने। अच्छा तो पहले ये बता, कॉलेज आते समय तू हमेशा खाली पॉकेट क्यों आता है? कंजूस कहीं का? चाचा एक सिगरेट देना। नहीं है, दुकान में नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है, कितना उधारी खाएगा तुम्हें पता है? 1300 रुपए हो गए, वो कब देगा? अरे इससे पैसे की बात की तो ये सिर झुका के चला जा रहा है। अरे मुबारक हो भाई। कांग्रेट्स भाई, जानता था तुम जीतोगे, लेकिन नेशनल टाइमिंग हासिल करोगे ये नहीं पता था। थैंक्स यार। भाई इस खुशी में हम सबको तुम्हें कैंटीन में ट्रीट देना होगा। फोन अभी भी स्विच ऑफ करके रखा है उसने।
हाय पुगल, कैसे हो? मैं ठीक। तू पूरे एक समोसे को मुंह में रख के कैसे निगलती है यही सोच रहा था। चल पागल। तू पागल, दिन भर समोसा पेप्सी खाती रहती है और आकर हमारे हीरो पर डकार मारती रहती है। तू हमेशा लड़कियों से चिढ़कर क्यों बातें करता है यार? तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तेरी बहने है क्या? अरे वो क्या है ना भाई, ये लड़कियों के पीछे घूम घूम के थक गया, लेकिन आज तो कोई पटी नहीं इसलिए चिड़चिड़ा सा हो गया। सही कहा ना? ऑफ कोर्स माय लॉर्ड। ए, अब क्या करूं? देख उस नंबर से फिर से कॉल आ रहा है। दिखा। डर लग रहा है मुझे। फोन उठाकर उसे सॉरी क्यों नहीं कह देती? हेलो, सॉरी सर। क्या क्या सॉरी कहा? वो क्या है ना, मेरी एक क्लोज फ्रेंड को पता नहीं कौन डे नाइट फोन करके गंदी गंदी बातें करता है। तुमने बड़ी अच्छी बातें की। नहीं, उसके लिए सारी बातें थी। मेरी फ्रेंड ने जो नंबर दिया था उसमें एक नंबर बदल गया। प्लीज प्लीज माफ कर दो ना सर। क्या कहा? माफ कर दो तुम्हें? हेलो, अनजाने में की गई गलती को माफ किया जा सकता है, लेकिन जानबूझ के की गई गलती को माफ नहीं किया जा सकता। तुमने पहली बार फोन किया था तो मैंने कहा था कि रॉन्ग नंबर है, फिर भी फोन करके तुमने मुझे क्या क्या सुनाया? अब मैं उसका जवाब दूं क्या? रुको रुको, मैं अभी जा रहा हूँ। कहाँ सर? कहाँ? पुलिस स्टेशन और कहाँ? सर सर, ऐसा कुछ मत करो सर, मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। आपको जो सजा देना है दो। ओह, ये बात है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले तुम मेरा 100 रुपए का रिचार्ज करवा दो। हाँ, वोडाफोन का। सर, ओके सर, ओके सर, 100 रुपए का रिचार्ज देना, वोडाफोन। और भाई, लंदन का क्लाइमेट कैसा है इस वक्त? Hey, what a pleasant surprise. Hey, फोन रख, मैं तुझे कॉल करूंगा। बैलेंस बहुत है, आगे बोल। यहाँ का मौसम भी ठीक ठाक ही है। Hey, इसके पास इतना बैलेंस आ गया कि यहाँ का छोड़ लंदन का मौसम बता कर रहा है। इसको क्या फर्क पड़ता है भाई, रिचार्ज तो बेचारी लड़की कर रही है। हाँ मैंने देखा उसे। हाँ? मुझे 300 रुपए है तो देना। हाँ रुक देती हूँ। ये ले, थैंक यू। तुझे शर्म वरम आती है या नहीं? तूने गलत नंबर डाल किया तो उसमें मैं क्या करूं? तुझे ही सबका भला करना था ना, आया मजा? कैसे हैं सर? फोन उठाने में इतना टाइम क्यों? वो क्या है ना, मैं बाइक चला रही थी। हाँ, तो तुम्हारे पास बाइक भी है। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो स्टेट बैंक में मैनेजर हैं। मैनेजर है? कहाँ पे? चेन्नई में। ओ, चेन्नई की रहने वाली हो? ठीक है ठीक है, नाम क्या है? गायत्री। गायत्री, नाइस नेम, नाइस नेम। मेरी एक शर्त है, तुमसे बात करने का मन करेगा तो कॉल करूंगा, पहले रिंग में ही फोन उठाना। तो मेरे घर से पुलिस स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर है, समझ गई ना? एक और बात, वोडाफोन में एक नया ऑफर आया है, 500 में 500, वो करवा देना। अभी मत करवाना, तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है। तब तक मैं कुछ जरूरी काम निपटा देता हूँ, मैं बाद में फोन करता हूँ। बाय टॉर्चर। ए, क्या है बोल? रॉ नंबर वाले का पता लग गया है। वो हमारे पुराने पड़ोसी का बेटा है, मैंने उसे देखा है, बहुत क्यूट है यार। वैसे वो लड़कियों को सताता नहीं है। टॉर्चर मत कर, फोन रख, इडियट। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ बोलती भी नहीं है। हेलो। हे, रिंग पूरी होने से पहले ही फोन उठा लिया।
वेरी गुड। क्या है सर? अरे कुछ नहीं, सोचा जरा बात कर लो तुमसे। वो क्या है ना, मेरे पास काफी बैलेंस है तो तुम पर खर्च कर रहा हूँ। हाँ तेरे बाप का पैसा है जो मुझ पर खर्च कर रहा है? कितना फोन आता है तुझे? ए, छत पे कपड़े सूख गए होंगे, जाके लेके आ। मुझे घर में जरा काम है, हम लोग बाद में बात करें सर। ये बात है, ठीक है ठीक है, 5 मिनट के बाद फोन करना। भैया का जींस वहीं छोड़ देना। सही है। अपन के बंदे वही चेक कर रहे हैं। इसकी नमी गई नहीं है, और सुखाओ। ठीक है भाई, जरा भी शक नहीं होना चाहिए। आजकल रेट बहुत चल रही है, इसलिए काम अगले हफ्ते होगा। तेरे उम्र के लड़कों की शादी हो गई और वो बाप भी बन गए। छोड़ो ना भाभी। ए जी, येल्लूर में काउंसलर की एक सौतेली बेटी है, आप कहे तो उससे बात करूं मैं? उससे नहीं करना है, जरा वेट करो, अपन खुद ही लड़की ढूंढेगा। कब? पूरी सफेदी आने के बाद? हेलो, मैं बोल रहा हूँ किट्टू। हाँ बोल किट्टू। तैयार है क्या? हाँ तैयार है। 25 चाहिए? हाँ तो मिल जाएगा। सुन, मुझे एक दिन का टाइम चाहिए। कोयम्बटूर के किट्टू के लिए 25 लाख रेडी करना है। सबको जिताना मेरा मकसद है। कितने का सर? 100 रुपए का कर देना, मेरे नंबर पे नहीं, मेरे फ्रेंड के नंबर पे। सर आप रिचार्ज करवाते हो, ठीक है, फ्रेंड का रिचार्ज मैं नहीं करूंगी। क्या कहा? तुम नहीं करोगी? तुम फोन रखो, 10 मिनट में तुम्हारे घर पे पुलिस भेजता हूँ। वेणुगोपाल, नंबर 7, SBI कॉलोनी, अरुम्बकम, चेन्नई। एड्रेस सही है? सॉरी सर, सॉरी सर, आपके फ्रेंड का नंबर क्या है? तो लो, एक काम करता हूँ, उसका नंबर मैसेज करता हूँ। साथ में 100 रुपए का मेरा भी कर देना।
भाई वो बहुत शरीफ लड़की है, टॉर्चर मत कर उसे। ऐसी बात है? हाँ ठीक है सोचूंगा। क्या हुआ, बिना सिग्नल के सिम कार्ड की तरह बैठा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है यार, एक दिन नहीं दो दिन नहीं चार दिनों से एक लड़की को सिंसियरली लव कर रहा है और उस लड़की ने अभी तक इसको देखा भी नहीं। हाँ हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती हो। चार दिनों से वो भी सिंसियर होकर? तो किसी भी तरह उस लड़की का नंबर निकाल के देना। हाँ, जब ये उसका नंबर निकाल के देगा तभी तेरी गाड़ी ट्रैक पर आएगी। ए, भाई तू किसी भी तरह नंबर निकाल के दे, बाकी मैं उसे सेट कर लूंगा, खुद पे विश्वास है। तेरा कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे इसी तरह मेंटेन रखना। कौन सा रूट है उसका? क्या रूट? ए, उसके आने का बस का रूट पूछ रहा हूँ यार। बस का रूट? एक्सक्यूज मी, ये एड्रेस कहाँ है जरा बताएंगे प्लीज? हाँ। पास ही का है ना? भाई भाई तो आप यहाँ से सीधे भाई, मैं ले तू ही बता। हाँ बताइए। यहाँ से स्ट्रेट जाने के बाद में okay? आप लेफ्ट मुड़ जाइएगा। हाँ? एक कट आएगा वो भी इमीडिएटली। okay. वहीं पास में एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ से फिर आप देखिए। हाँ, एड्रेस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको एतराज ना हो तो आपके साथ चल के जगह दिखा दूँ। ठीक है बैठ जाओ। मैं बस अभी आया। शाम को मुझे कॉल करना मत भूलना। ओके बाय बाय। इससे पट गई है तो मुझसे भी पट जाएगी। पहले अपने आप को शीशे में देख। एड्रेस पता ना मैं 24 घंटे भाई दुनिया घूमने में 24 घंटे लगते हैं। कम से कम उनके उम्र का तो लिहाज कर। वो सब छोड़ यार। चाचा जान। हाँ बोलो। कितना बाकी था बोला था? 1380 रुपए हो गए। आज तक का पूरा हिसाब क्लियर। अरे जो बच जाए उसे लौटाने की जरूरत नहीं है, ठीक समझ लो। hey, ये कैसा नोट तुमने दिया है? सब में सीरियल नंबर तो एक ही है। फॉरेन का पैसा है, ऐसा ही होता है। पता चला है कि नकली नोट के झांसे में कई बेवकूफ फंसे हैं। उन नोट्स का सीरियल नंबर एक जैसा होता है। भाई पर्पल चूड़ीदार वाली क्या बोलता है, मुझे जचेगी ना? हाँ तुम्हारे शक्ल के हिसाब से लड़की तुमसे पटेगी या नहीं ये मत देखो, जो मिलेगी उस पर ट्राई मारो। हाँ हाँ भाई। उसका नंबर चाहिए या नहीं? चाहिए ना, ये बेचैनी उसी के लिए तो है। मेरे प्यार की नैया को पार लगाने वाला तू ही एक सहारा है भाई। वेट एंड वॉच। क्या कह रहा था वो तुझसे? प्रिया के बारे में मुझसे पूछ रहा था। अच्छा श्रृंगार नगर जाने की बस कहाँ मिलेगी? वो देखो ना सामने से जा रही है। अरे उसका फोन ले जाओ। सर आउट हो गया। संभाल के। सिम कार्ड कहाँ है? ये लीजिए। सिस्टर फोन काम कर रहा है कि नहीं चेक करना है, तुम जरा फोन करो ना मुझे। तुम्हारा नंबर बताओ। 9883 1923 1923 1923। रिंग तो बज रही है। ऐसा क्या? हाँ कोई बात नहीं, मेरा फोन लगता है खराब हो गया। एनीवे थैंक्स। सर टाइम तो देखिए सर, इस वक्त मैं बाहर जाकर आपका टॉपअप नहीं करवा सकती। सुबह करवा दूं तो चलेगा? हेलो हेलो सर। अब मुझे सर करके मत बुलाना, कुछ और कह के बुलाओ। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारी सारी बातें मैंने डिलीट कर दी हैं। बहुत गौर से सोचा मैंने तो मेरे दिल से एक अजीब सी आवाज निकली, तुम्हें मैंने बहुत टॉर्चर किया है ना, अब आगे से परेशान नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए। क्या है उसे देखो, इतनी रात को किसी लड़की के साथ बात कर रहा है। ए पुगल। हा? लड़की पटा रहा है पटा, लेकिन किसी हूर से कम नहीं होनी चाहिए। हा, हा, हा। कौन है वो जो तुम्हें एक अच्छी सी लड़की पटाने की सलाह दे रहा है? दरअसल क्या है ना, मेरी माँ मुझसे ऐसी मजाक करती है। ओह
और मेरी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है ना, क्या बताऊँ। क्या है ये? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि टीवी शो देख करके खाना मत बनाया करो, कुत्ते को खिलाओ इसे। अब मैं समझ गई कि तुम्हारी माँ कितना अच्छा खाना बनाती होगी। ओह नो, एक मिनट वेट करो, लाइट चली गई है। एक कैंडल जलाती हूँ। ये चिपक क्यों नहीं रही है? हेलो, उसका निचला हिस्सा भी जरा गर्म करो, फिर वो चिपक जाएगी। ट्राई करो। ओके। थैंक्स। जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, उन्हें थैंक्स या सॉरी या प्लीज नहीं कहा जाता। चलो ओके, अब मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। गुड नाइट गायत्री, बाय। यार पहले भी तो कितनी लड़कियां आके जा चुकी हैं, लेकिन इस लड़की को मैं भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ? याद आती हो तुझे? हाय, लगता है अपना हीरो तो गया, टॉप अप करवा करवा के टॉप का लवर बन गया है। अरे, देखो कैसे भाग रही है, फोन उठ के कहीं चला जाएगा क्या? दो दिन से देख रही हूँ, पागल जैसी हरकतें कर रही है। अरे भाई, जब वो बोलती है ना तो लगता है फूलों की बारिश हो रही है। जो दिखता है वो होता नहीं है। क्या बोला? वो क्या ना प्यारे, लड़की की आवाज सुरीली हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़की खूबसूरत भी हो। पुगल, मैं प्रीति हूँ यार, क्या हो क्या गया तुझे? कुछ नहीं, मैं बाद में कॉल करती हूँ। पहले मैं बिना झिझक के उसे बात करता था, लेकिन अब जब मैं उसे बात करना चाहता हूँ तो मुझे कम से कम 100 बार सोचना पड़ रहा है यार। अरे सोच क्या रहा है भाई, फोन पर आवाज अच्छी है ना, तो दिखने में भी अच्छी होगी वो। अच्छा बुरा नजर देखती है, दिल वो सब नहीं देखता। गायत्री, टॉप अप किया क्या? इतने दिनों से एक बार भी कॉल नहीं किया, तो मुझे लगा तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं होगा, इसीलिए। तेरे दोस्त ने डिग्री लेकर 2 साल के अंदर अच्छा खासा कमा लिया, अपनी मेहनत से शादी करके सेटल भी हो गया, लेकिन तू किस तरफ जा रहा है, कभी सोचा इस बारे में? 1 महीने में तुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, एप्लीकेशन के लिए पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता, शर्माता किस लिए है? और तुझे किस लिए 300 रुपए चाहिए थे? मुझे अपनी एक फ्रेंड को देना है पापा। बच्ची मांग रही है तो दे दो ना। हाँ, बेटा नाश्ता तैयार है, बिना खाए कहीं मत जाना। हाँ ठीक है माँ। ये लो, चेंज करा के ले आओ। कांदा 2 किलो, बटाटा 2 किलो, शक्कर 1 किलो। अरे भाई सुनिए, मुझे 1000 का छुट्टा दीजिए ना। छुट्टा नहीं है भाई, अभी अभी मैं सब भर के आया। देखो ना भाई, होगा नहीं है भाई, होता तो दे देता ना। दाल 3 किलो। हाँ और कुछ? ए इधर आ, तुम्हारे पास है क्या? हाँ है ना, ठीक है दे। ये लो। थैंक यू। अरे जल्दी दो ना, देर हो रही है। हाँ ये लीजिए। ये क्या ले आया तू? तुझे 1000 रुपए का छुट्टा लाने को कहा, वो भी ठीक से नहीं कर पाए तू। इसमें 4 नोट जाली हैं, समझ में नहीं आया तुझे? जाली नोट? और पहचानेगा भी कैसे? मेहनत करके पसीना बहाता तो समझ में आता कि असली और नकली नोट में फर्क क्या है। कहां से लेकर आया? बाजार से। ले जा, बदल कर ले आ। ये लड़का भी ना पता नहीं कब समझदार बनेगा।
हाँ और क्या दूं? भाई साहब वो ऑटो वाला कहाँ गया, देखा आपने? मैंने नहीं देखा भाई, टायर पंचर था तो अपना स्टेप नहीं बदल रहा था। क्यों पूछ रहे हो, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो फोन पे किसी से कह रहा था कि वो बस डिपो तक जाने वाला है। जरा पानी देना। भाई मैं बस स्टॉप तक पहुंच गया हूँ। हाँ पैसा उसको देना और बदले में वो तुझे ओरिजिनल देगा, वो लेकर सीधा यहाँ आ जा। सुन जरा होशियारी से। ठीक है भाई। हेलो कोयम्बतूर पुलिस स्टेशन। हाँ पुलिस, आप कौन? मैं कौन बोल रहा हूँ छोड़िए साहब जी, आपके स्टेशन के बस डेपो के पास एक हरे रंग की बस खड़ी है, वहाँ एक 25 से 27 साल का आदमी होगा, उसके पास एक पैकेट है जो नकली नोट से भरा है। तुम्हें कैसे पता उसमें नकली नोट है? एविडेंस है सर। वो सब ठीक है, पहले ये बताओ कि कौन हो और कहां से हो। मैं यहीं बस स्टॉप पर हूं सर। ए, चल गाड़ी में बैठ, चल चल ले जा इसे, चल 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 चल। अरे किया क्या मैंने? पुलिस स्टेशन चल, बताते हैं क्या किया तूने। हाँ ठीक है भाई, आप जल्दी आइए। सर आपको पता है मैं किसका आदमी हूँ, फिर भी आपने मुझे पकड़ लिया। ए, तो और क्या करता, तेरे पास ही खड़े किसी इंसान ने हमें इन्फॉर्म किया कि तू नकली नोट लेके जा रहा है, उसने बोला उसके पास एविडेंस भी है, वो इंतजार कर रहा था कि मैं तुझे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता हूँ कि नहीं। तेरी वॉट लगने के लिए सिर्फ 1 रुपए का क्वाइन ही काफी था, मेरी जगह किसी और को फोन करता तो वो तुझे पकड़ता, फिर क्या एक छोटी सी बात हाथ से निकल जाती, उसके बाद भाई से हमें कौन बचाता? घंटी बजाने जैसा तेरी किसी ने बजा डाली, एक छोटा सा काम भी तुझसे ढंग से नहीं होता। ए, हाँ भाई तू सीधा कोयम टूट जा, मैं किट्टू को फोन कर देता हूँ। ठीक है भाई। भाई मुझे एक अनोन कॉल आया था, उसने अपना नाम भी नहीं बताया, कल को कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम सबकी परेशानी बढ़ जाएगी भाई। तो क्या इस माल को 1-2 दिन यहीं रहने दो, कोई प्रॉब्लम हुई तो माल मैं खुद पहुंचा दूंगा। चंद नकली नोटों के लिए तेरी जान और नौकरी खतरे में लग रही है, जब मेरे यहां से बेफिक्र होकर हड्डी बटोर कर लाता तब ऐसा नहीं लगता। खैर कोई बात नहीं, रख ले, पर यह फोन किसने किया है इस लड़के का पता लगा। होगा किट्टू को फोन कर। किट्टू मालिक ने कहा कि 4 दिन लगेगा, एडजस्ट कर लो, जितना जल्दी हो सके भिजवा दीजिएगा। ठीक है। पैसे बदलने में तुझे पूरा दिन लग गया? छुट्टा देने वाले को ढूंढ रहा था इसलिए देर हो गई। अरे कौन था वो, उसने 400 बदले कि नहीं? उसको पुलिस में पकड़वा दिया। पुलिस में पकड़वा दिया? हाँ। मतलब मेरे 400 रुपए डूब गए? क्या पापा हर बार पैसा पैसा करते हैं, मैंने इसलिए किया क्योंकि ऐसा किसी दूसरे के साथ ना हो, समझे? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये सरदर्द लेने की जरूरत क्या थी? ये सब छोड़िए पापा। क्या हो गया किट्टू? तुम्हारी खबर किसी ने पुलिस को दे दी है। तुम्हें किसने कहा? मेरे आदमी ने वहाँ के एसपी को फोन करके पता लगाया। पार्टी क्या बोल रहा है? 1 हफ्ते के अंदर उसे सारा माल चाहिए, वरना डील कैंसिल। पार्टी जाएगी, किट्टू पता मांग रहा था, इतनी बार कहा कि मैं ले जाता हूँ, आपने मना कर दिया। हाँ। गाड़ी वापस घुमा।
भाई हर हाल में ये माल आज पहुंचा देते हैं। भाई लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर है और अपनी एरिया की भी है। भाई आज शगुन देने के बाद सौदा पूरा क्यों नहीं कर लेते? आज अच्छा दिन है क्या? हाँ भाई। ए बेटे। हाँ भाई। वो लड़की कहाँ रहती है पता है? लक्ष्मी कॉलोनी के पास भाई। आप संपत सर है ना? मुझे संपत सर नहीं, सिर्फ संपत बोलो। लेकिन आप मेरे घर पर मिलने आया हूँ। इस शहर में जितनी मेरी इज्जत है उतनी इसकी भी है। बैठ। ये 30 साल से मेरे साथ है और बहुत ही ईमानदार है। कल तक कह रहा था मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। कौन है ये लोग? पता नहीं बेटा, चलती हूँ। अब पता चला तू राजी क्यों हुआ। भाई भाभी तो एक नंबर ढूंढी है। गाड़ी में कौन आया है? पता नहीं कौन है, पापा से बात कर रहे हैं। ठीक है तू जा। बाय। तुम्हारी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसके साथ 4-5 गाड़ियां तो हमेशा रहेंगी। बस इसे दामाद बना लो। ये मेरा बेटा है दिनेश, M.Com पढ़ा है, नौकरी ढूंढ रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें काम ढूंढने की जरूरत नहीं। बताओ कौन से ऑफिस में नौकरी चाहिए, मिल जाएगी। कौन सा? नकली नोट बनाने का जॉब? रुक जा, क्या बोल रहे तू? पापा कल नकली नोट देने वाला यही था, इसी को मैंने पुलिस में पकड़वाया था। नकली नोट का धंधा करते हो? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। अरे बेटा, क्या बोल रहे तू? वही जो तूने सुना, मेरी बहन से शादी करेगा। चल निकल जा यहाँ से। छोड़ उसे। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ। चल। माफ कर दीजिए इसे। अगर दूसरी बार यहाँ शक्ल दिखाने आया ना तो क्राइम ब्रांच के हवाले कर दूंगा। तुम्हें कैसे फंसाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी करे तुझे इससे क्या? चुप हो जा। गुंडों से कोई इस तरह बात करता है क्या? छोड़िए ना। ये सब तेरी वजह से हुआ बेवकूफ। 2-500 के लालच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, सब तेरी वजह से। गोगा, तुझे सिर्फ वो लड़की चाहिए ना, या फिर उसका भाई भी चाहिए? हम जैसों को घर परिवार कभी रास नहीं आता है भाई, अपन कुंवारा ही सही है। छोड़ो ना भाई, उस लड़की का मैटर को यहीं खत्म करो, लेकिन उसके भाई को टपकाए बिना चैन नहीं मिलेगा, वरना वो बार बार उंगली करता रहेगा। आज ही खत्म कर दें, क्या बोलते हो? सिचुएशन सही नहीं है अभी, 10 दिन का वेट कर उसके बाद। 10 दिन किस लिए? स्टेडियम मैंने देखा है, सारी तैयारी हो चुकी है। कोलकाता स्टेडियम में कोई पार्टी मीटिंग होने वाली है, आज ही मुझे फैक्स आया है।
ये देखो, जिस दिन हमारे यहाँ एक अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा उसी दिन मैं एक सच्चा कोच बन पाऊंगा। चलता हूँ सर। देवा जी, वो उन्नत नगर से जो लड़का नेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट हुआ है वो गोल्ड ला पाएगा? श्योर लाएगा सर। कितना किलोमीटर है यार? 300 होगा। मीट कोलकाता में नहीं होगी, चेन्नई में हो रही है, जगह बदल गई है। हम लोग यहाँ से 5 दिन पहले निकलेंगे और प्रैक्टिस वहीं करेंगे। ओके ओके ओके। हाँ हाँ वो इतनी देर से किससे बात कर रहा है? आदमी प्यार में होता तो महबूबा से ही बातें करता है, और इस कमीने को तो वैसे भी रिचार्ज फ्री है। तुम्हारा फेसबुक आईडी क्या है? मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। मैंने चेक किया, तुमने व्हाट्सएप पे भी अपना फोटो नहीं रखा है। फोटो? ये समझ लो मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ, कभी भी मिल सकता है। फिर भी अगर फोटो चाहिए तो फोन रखो, मैं भेजता हूँ। अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। चोरी करेगा मेरे इलाके में? चोरी करेगा तू? अभी नहीं करूंगा साहब। पकड़ो सर। अरे छोड़ दो साहब, छोड़ दो। पैसा चाहिए तो तुम्हें 2 दिन पहले बताना चाहिए ना सर। तुम अभी कह रहे हो? सर आपको किस बात की कमी है? आप तो पहले से ही बड़े घर से। हाथ और पैर चलाने के साथ साथ घर भी चलाना पड़ता है। ये लो, तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा है? चेन्नई जा रहा है नेशनल मीट के लिए, उसमें जीता तो एशिया मीट में जाएगा। डिग्री मिल गई है, तुम रिटायर होने वाले हो, उसके लिए अच्छा सा जॉब ढूंढने के बजाय तुम उसे बेकार का स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेज रहे हो। उसे क्या प्रॉब्लम है ये जानते हुए भी तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो? सर पहले मैं भी उसके लिए आप ही की तरह सोच रहा था। उसका कहना है कि बिना स्पोर्ट्स के लाइफ नहीं बन सकती। बाद में उसकी बात मुझे सही लगी सर, इसीलिए मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। सर टाइम हो गया, उसकी कहीं ट्रेन न छूट जाए। यार अब तक सर नहीं आए। सर ऑटो में आ रहे हैं ना, लेट होगा। अब तक पहुंचे नहीं, ट्रेन का टाइम भी हो गया। अरे देख तेरे डैडी आए। अरे पापा आप यहाँ क्यों आए? ये रख ले। ये अरे रखना बेटा। इतने पैसों का मैं क्या करूंगा? जरूरत पड़ेगी। जिंदगी के 25 साल मैंने एसपी और इंस्पेक्टर को सैल्यूट मार के गुजार दिए। तू अगर नेशनल मीट में गोल्ड ले आया तो तुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे क्या पापा, मैं जीत कराऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है मेरा बेटा जरूर जीतेगा। मेरी रिटायरमेंट भी बहुत नजदीक है, इसीलिए घबरा रहा हूं। अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ थैंक यू भाई। नमस्ते सर। मेरे बेटे का जरा खास ख्याल रखिएगा सर। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं हूं ना साथ में, डोंट वरी। ठीक है ठीक है, चलो चलो सब लोग जीत कर आना। ऑल द बेस्ट जी अंकल। थैंक यू। चलता हूं पापा, फोन करना। ओके पापा। ट्रेन सही टाइम पर पहुंच गए। हाय सर। हाय कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। कैसे? मस्त यार। चलिए सर मैं आपको होटल दिखा देता हूँ। गाड़ी आई है क्या? चलो चलते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा, सब लोग यहीं रहेंगे। हाँ सर। कल सुबह ग्राउंड पर मिलते हैं। अरे ओके सर। खुलना दूर हट। अरे क्या हुआ, इतनी जोर से लगी तो ट्रेन में कर लिया होगा। चल बाय पुगल, कल मिलते हैं। ए भाई सुन, तू अपनी बाइक की चाबी देना मुझे। ये लेना, बाइक का क्लच थोड़ा सा जाम है तो संभाल के चलाना। तुझसे मैं सीधा ग्राउंड पे मिलता हूँ। चल मिलते हैं। गूगल तू रेस में गोल्ड मेडल लेने आया है कि प्यार में? ये क्या है, तुम्हारे यहाँ का पानी इतना गंदा आता है क्या? लगता है आ चुके हो तुम लोग। अच्छा ये बताओ ठहरे कहाँ पर हो? डेकबोर्ड में। ये बताओ हम कब मिलने वाले हैं? आज मिलना है। क्या प्रॉब्लम है, कल से प्रैक्टिस शुरू होने वाली है। अरे थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो। हेलो, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बताओ कहाँ आना है? 10 बजे हम एमजी रोड के मंदिर पर मिले। एमजी रोड के मंदिर पे, ठीक है पहुँच जाऊंगा। मुझे सूरजनगर ड्रॉप कर देना, फिर वहाँ से मैं बस में चला जाऊंगा। इस इंटरव्यू में तुम्हें नौकरी मिल जाए ऐसी दुआ करो तुम।
बेकार में पापा से डांट खाते रहते हो। अरे सुन ना, मैं फ्रेंड से मिल के आता हूँ, सर को किसी तरह संभाल लेना। ओके ओके, आओ चले। All the best. Thank you. क्यों रे, रात भर सोया नहीं क्या? नींद नहीं आई यार। क्या हुआ भाई? दिनेश मेरे सामने बस स्टॉप पे खड़ा है। अकेला ही है? हाँ भाई, उठा लूँ क्या? उठा ले, अपन भाई से बात करता है। जैसा आप कहें भाई। चाय दोनों भाई। हाँ, फोकट का चाय पीने यही आते हो भाई? हाँ, एमजी रोड का मंदिर कहाँ पड़ेगा? बस यहाँ से राइट ले लो और फिर सीधा। थैंक्स। हाँ। मुझसे गलती हो गई। देखो भाई के पास खड़ा है। अमोल, दिनेश को बचाने वाला आपके पास खड़ा है। भाई भाई, थोड़ी इमरजेंसी है, बैठ जाऊं? हाँ बैठा। भाई भाई, हा? मेरी बहन की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, जल्दी चलिए। अच्छा रुक, ए, तू कहाँ रहता है? तंजावर में। यहाँ क्या कर रहा है? फ्रेंड से मिलने आया हूँ। हाँ? फ्रेंड से मिलने आया हूँ भाई। तेरा नाम क्या है? पुगल। अब इसका क्या करना भाई? उसका हाथ पर काट कर लाओ।
मैंने तो आपको सॉरी कह दिया था ना, फिर ये सब किस लिए? कहाँ हो? यहाँ कुछ गुंडों ने दंगा फसाद कर दिया है। मैं तो एमजी रोड पे हूँ, तुम कहाँ हो गायत्री? मैंने कहा था ना कुछ दिन वेट कर, फिर इतनी जल्दी किस बात की थी? तोड़वा लिया ना अपना हाथ। चार दिनों में सही हो जाएगा भाई। पहले तो उसने मेरे आदमी को पकड़वाया और अब उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम पर हाथ उठाए। उसका सर तो उसी दिन उड़ा देना चाहिए था। भाई, हमें यहाँ पहुँचाने वाला दिनेश नहीं था। तो फिर किसने मारा? अपन ने उसे पहले कभी नहीं देखा है। नाम है पुगल, तंजावूर का रहने वाला है। उसकी हमसे क्या दुश्मनी है? दिनेश को बाइक पे बिठाकर उसको बचाया था, बस इतना ही जानता हूँ भाई। कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। वो दोबारा नजर आए तो उसकी आंतड़ी निकाल के गले में पहना देना। आपके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल हुआ है। किसने फाइल किया? मेरे वापस आने तक तुम्हें से कोई कुछ नहीं करेगा। स-
सच। वो लोग नकली नोट जाली नोट छापते हैं। सर सीधा रख हिल मत। लेकिन बच्चों की स्कूल फी भरने की औकात नहीं है और खुद को राजा समझता है। नथिंग सर। चेन्नई से सारे स्टेट में नकली नोटों की सप्लाई होती है। वो ये सब कैसे भेजता है और वो इन नोटों को कहां छापता है, इसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अभी अभी एक जवान लड़के ने उस भंगार वाले संपत्ति के खिलाफ कंप्लेंट की है। क्या फायदा सर? हाल ही में उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं और अपना धंधा बदल दिया है सर। और उसने स्टेटमेंट दिया है कि उसका और उसके परिवार का इस धंधे से कोई लेना देना नहीं। और सारी पब्लिक भी उसके नाम से डरती है। हाल ही में एक लड़के ने उसके सारे आदमियों को बीच चौराहे अकेले ही इतनी बुरी तरह मारा कि सब हॉस्पिटल पहुंच गए। हिम्मत तो है उस बच्चे में। वो कौन है और क्या करता है जरा पता लगाओ। यस सर। मिराज सर, सुना है कोयम्बटूर में तुमने फेक नोट पकड़े थे? जी सर, फेक नोट समझकर ही पकड़ा था। जब जांच किया तो पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है सर। गाड़ी कहाँ है? घर पर है। गायत्री। हेलो, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ये देख हमारी बस। चलो चलो जल्दी बस में चलो चलो। ओके चल बाय। ट्रीट याद है ना, मैं तुझसे कल ले लूंगी। चल बाय। मुझसे सिर्फ फोन पे ही बात करोगी, फेस टू फेस बात नहीं करोगी? देखो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। साइकिल का टायर उसके पैंट पे लग गया, मैंने उतर के साफ किया और सॉरी भी कहा। किसी को मारना गलत बात है लेकिन मार खा के लेना भी गलत है। मैं क्या हूँ ये उसे दिखा दिया। कैसी लड़की है यार, छोटी सी बात पे मुंह फुलाए बैठी है। चलो चलो आ जाओ सब लोग, जल्दी आओ। बोले बोले टिकट बोलिए। हाय हाय। चलो आगे बढ़ाओ। मैं घबरा गई हूँ। क्यों? तुम गुंडे हो? चलिए अगला स्टॉप आ रहा है, उतरने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए 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 जल्दी कीजिए। सभी लोग अपना वो किसी को संभालने के लिए दे रहे हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी, इसे जरा संभालोगी? अगला स्टॉप डायमंड सिग्नल है। पेन। हेलो, ये क्या कर दिया? मेरे मोबाइल में जितना टॉप अप किया था वो सब वसूलना चाहती हो क्या? तुम्हें चाहिए तो बोलो, मैं लौटा दूंगा। थोड़ा समझो, अब पेन कैसे लौटाऊंगी? कल तुम्हें एक नया पेन खरीद के दे दूंगी। चलो ठीक है। गायत्री संभालना, ब्रांडेड पेन है। कल मेरा बर्थडे है, मैं अरुम्बकम बस स्टॉप पे वेट करूंगी। हाँ समझ गया। तांबर में उतरे हो? किस होटल में? हाँ रूम नंबर 5। हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट में एड्रेस लिख लेता हूँ। बॉस पेन है क्या? पेन पेन तो नहीं है सर। बॉस एड्रेस लिख के वापस दे दूंगा, दो ना।
हेलो बॉस, पेन प्लीज। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस। नाम प्रिंस है और पास में एक पेन नहीं, चल। अरे प्रिंस से पेन का क्या लेना देना? तेंदुलकर होता तो क्रिकेटर बन जाता। अरे रुक। हेलो, नहीं नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा वहीं पहुंचता हूँ। ठीक है। क्या कर रहे हो? फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ए, चलो ग्राउंड से बाहर निकलो। सर सर, यहाँ पर पिकनिक मनाने आए। सर, यहाँ आते ही लड़की के चक्कर में मारा मारी कर बैठा। सर, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी नहीं, सारी गलती मेरी है। मैं सबसे कहकर आया हूँ कि तू गोल्ड मेडल लेकर आएगा, ये है मेरी गलती। हे, तू जा वरना मेरा पारा और चढ़ेगा। सर, वो लोग कौन है ये मैं नहीं जानता, पहले उन्होंने हमला किया और तूने उसे खत्म किया। सुन, पता है ना तुझे क्या बीमारी है? अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बाप से क्या कहूंगा? ए, गो, चला जाए यहां से और मेरे सामने मत आना। सर सर सर, बोला ना चा। और तुम लोग क्या कर रहे हो? ए, इसको इधर लाओ। जाओ। अरे यार, सर ने कुछ कहा क्या? अरे छोड़ ना यार, सर को तू जानता है, सुबह तक ठीक हो जाएंगे, कूल डाउन। कल ग्राउंड पे आ जाना तू, सब ठीक हो जाएगा। भाई भाई, कल ना मुझे बहुत जरूरी काम है, सर से कहना मुझे बुखार है, किसी तरह संभाल लेना। अच्छा यार, ये तो बता, गायत्री ने कुछ कहा क्या? अरे यार, तुझे क्या करना जानना है? इसीलिए तो पूछ रहे हैं। ऐसा जरूरी कुछ नहीं बोला। तो बोल देना। अब जो होना है वो तो कल ही होगा, कल गायत्री का बर्थडे जो है। उससे कोई भी काम दो कभी ठीक से नहीं करता, ऊपर से रूल्स सिखाता है। अंकल, म्यूजिक वाला कैंडल नहीं है क्या? 100 पीस। अरे इसे जो चाहिए उसे दे दो। पता नहीं ये गायत्री किस रास्ते से आने वाली है। हेलो बॉस, पहचाना मुझे? तुमने लिफ्ट दिया था। हाँ, पहचाना? हाँ पहचाना। तुम्हारा नाम क्या है? पप्पूगल। मेरा नाम दिनेश है। हाँ, उस दिन जल्दबाजी में थैंक्स बोलना भूल गया था, थैंक यू यार। हाँ ठीक है, मेरा घर पास में है, तुम चलो ना। अरे मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, समझा करो ना। हमारे घर पर छोटा सा फंक्शन है, चलो थोड़ी देर आके चले जाना। गिफ्ट देखकर ये मुझे घर पे फंक्शन के लिए बुला रहा है, लगता है इसकी नजर मेरे गिफ्ट पर है। बॉस, तुमने मेरी हेल्प की थी। हा? चलो ना यार, इतना भाव क्यों खा रहे हो? तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है, आता हूं। हां ठीक है ठीक है, छोड़ो, थैंक यू। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, कोई प्रॉब्लम हो तो। देखिए सारे मेहमान आ गए, आप भी आइए। अंदर आ जाओ। अगर ये कैंडल नहीं लाता तो मेरी छोटी बहन मुझे जान से मार देती। गायत्री, ये मेरा फ्रेंड पूगल। हाय। ये बताओ, उस दिन तुमने क्या कहा था? सर सर, जल्दी चलिए, मेरी बहन की तबीयत खराब है, इसे हॉस्पिटल ले जाना है। तुम्हारे शहर में झूठ बोलकर काम निकालते हैं ना? क्या हुआ था? क्या बात है, एकदम सही जगह पे आ गया। आ,
थैंक यू, अपनी माँ को खिलाओ। थैंक्स बेटा। भैया मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स आंटी, थैंक्स, थैंक यू, थैंक्स। बेटा सबको दो। इधर आ जा बेटा, आराम से सबको मिलेगा। एक मिनट रुकना। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट। ओके ये तुम भी लो। क्या रे पूगल, गिफ्ट इसको क्यों दे दिया? केक खाऊं और गिफ्ट ना दूं तो बुरा लगता है ना, इसलिए। सच कह रहा है, अगर गिफ्ट नहीं देता ना तो तुझसे लड़ पड़ती वो। पापा मेरे कॉलेज का टाइम हो रहा है, मैं जाती हूँ। ठीक है बेटा, जा। वो जो टीवी तुम लेने वाले थे वो ले लिया मैंने। अच्छा अच्छा, जल्दी नुक्कड़ पर आओ। तो फिर मैं चलता हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है अंकल। हाँ अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई। अच्छा बेटा। आंटी मैं चलता हूँ। आजकल चीजों के भाव कितने गिर गए हैं, ये सरकार आने के बाद काफी फर्क है। हाय। जल्दी से बैठ जाओ, पापा की ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। जो हुकुम सरकार, जैसी है आपकी मर्जी। ये हेडलाइट और इंडिकेटर दोनों बदल दो। नया वाला इसमें है जी। अच्छा, हम लोग पास में ही है। उस दिन जो तुम्हारा झगड़ा हुआ, मुझे नहीं लगता कि वो टायर की वजह से हुआ। उनके नकली नोट के धंधे के बारे में भैया ने पुलिस को बताया है, और बात यहीं खत्म नहीं होती। वो मेरा हाथ मांगने के लिए मेरे घर पर भी आया था, तब भैया ने उनकी बेइज्जती की। इसीलिए वो जब भैया को मारने के लिए आए और तुमने उन्हें लिफ्ट दे के बचाया, उन्हें लगा तुम भैया के फ्रेंड हो, इसलिए उन्होंने तुम पर हमला किया। अच्छा, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन फिलहाल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है। और वो क्या है? तुम्हारी और मेरे बीच बायोलॉजी वर्कआउट हो गई है। ये क्या बायोलॉजी, सब लोग तो केमिस्ट्री वर्कआउट करते हैं। केमिस्ट्री वर्कआउट करके क्या करेंगे गायत्री, लैब में जैसे एक्सपेरिमेंट होता है वैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? बायोलॉजी वर्कआउट होगी तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की या फिर मेरे जैसा नौजवान लड़का इस दुनिया में आता है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। Come on, pack up, pack up. Charles. Sir. जाओ उसे बुलाओ। जी। ये चल, सर बुला रहे हैं। जाओ। बॉयज ऑन योर मार्क सेट गो। अगर टाइमिंग यही रही तो सातवीं पोजीशन भी नहीं मिलेगी, तो आज रात को ही घर चला जा, मैं तेरे पापा से बात कर लेता हूं। सुन, तू जो मेडल जीतेगा वो सिर्फ तेरा नहीं होगा, उसमें तेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष्य भी होगा। और मुझे नहीं लगता कि तू कर पाएगा। सर, मुझे एक मौका दीजिए सर, मैं टाइम सुधार लूंगा। जाओ।
पुगल, अगर तुम सच में मंजिल को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एकलव्य बनना होगा। देखा टाइम पिकअप करने में कितनी मेहनत लगती है, देखा। खेल में टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाओ थोड़ा आराम कर लो। भाई तू टाइम पिकअप करेगा कि नहीं ये सोचकर मुझे डर लग रहा था। मुझे यकीन था मैं टाइम पिकअप कर लूंगा। सर ने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए बहुत है। यहाँ पर सिर्फ पानी मिलता है, ग्लूकोज के लिए हर कोई यहाँ से बाहर ही भागता है। अच्छा गायत्री तुझसे मिली कि नहीं? ए, थोड़ा आहिस्ता बोल, सर के कान बहुत तेज है। इंसान को हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। ओके बॉयज अब चलते हैं। हाँ, सर। शाम को 5 बजे फिर से यहीं मिलेंगे। ठीक है सर। जरा ये जब भी प्रैक्टिस खत्म होती है तेरा कुछ ना कुछ रहता है। चल जा, कौन है देखना जाके। ए कहाँ है तू? और कहाँ रहूंगा, उतनी दूर से तेरा खेल देखने आया हूँ, तू पूछ रहा है कहाँ हूँ? कोयम्बटूर बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, तो यहाँ से मुझे पिकअप कर ले। ओके टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, रिलैक्स रहना। कौन था बेटा? मुझसे मिलने मेरा दोस्त आया। मुश्किल से तेरी टाइमिंग सही हुई है, और फिर से डिस्टर्ब करने कोई आ गया? हाय। बोल बे। तेरी आंखों में देखकर भक भक करके मेरे दिल में शमा जल उठती है। मेरे प्यारे मुझे लगता है तू शायर बन गया। लव हो गया मुझे और क्या। तुझे? यस। कौन है वो अनलकी गर्ल? सेकंड ईयर हिस्ट्री डिपार्टमेंट। कीर्ति नाम है। नया नया स्टार्ट हुए 4 दिन हुए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसका लव कंफर्म है या नहीं इसका थोड़ा सा डाउट है। तू बिल्कुल फिक्र मत कर, हाँ मैं जैसा कहता हूँ वैसा किया तो वो कंफर्म मान जाएगी। सोच कि तेरी महबूबा तेरे सामने है, तू उसे एक बार देख के छुप जाता है, जब तू उसे नहीं दिखेगा तो वो तुझे जरूर ढूंढेगी। ए गायत्री। हाँ? गाड़ी जाने का इंतजार कर रही है क्या? जाओ तुम लोग, मैं दूसरी बस में आ जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। जब वो अकेली हो तब तू उसके सामने हीरो की तरह एंट्री मारना। तू भी ऐसे ही कुछ करना। ए कीर्ति ये बस नहीं जाती, मत जा। हाँ हाँ पता है पता है, वो लोफर कब से दिखना हमें ही घूर रहा है, मुझे डर है उसे मेरे घर का पता न चल जाए। आगे जाके बस बदल लेंगे। वो गायब हो गई भाई। ये बात है। तुझे एक बात बताता हूँ प्यारे। हैं? आजकल की लड़कियाँ ना हमसे बस यही चाहती हैं कि हम उन्हें घूरते रहें और अपनी आंखों से दूर ना होने दें। ऐसा ही कुछ करना। दुम नहीं है वरना हिला देता। एक्सक्यूज मी, ए प्लीज, अरे सुनो। नहीं मेरे भाई। प्यारे तू एक काम कर, इस बार कुछ कहा तो हमारी दोस्ती खत्म। ठीक है, ओके प्यारे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ए कहाँ जा रहा है? मेरे साथ मेरे रूम पे चल। नहीं मेरे बाप, लव करने वाले के बाइक पे नहीं चढ़ना है, भरोसा नहीं, बीच रास्ते में ही छोड़ के निकलने तो ऐसे सीन होने का चांस ही नहीं लूंगा। किसी धर्मशाले में रुक जाता हूँ, सुबह तैयार होके ग्राउंड पे मिलूंगा। बाय।
नमस्ते भाई। हाँ। बेल पेटिशन के लिए गया था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। वो छोड़, भाई कहाँ है? यहीं पर है। चल। कोच्चि के पार्टी को पता भेजा क्या? नहीं भाई, डीसी हमारी हरकतों को ट्रेस कर रहा है। वो बैंक वाला लड़का जब से विटनेस बना है वो हमारे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया है, इसलिए आपका इंतजार कर रहे थे। 25 साल से हूं मैं इस धंधे में, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी पार्टी को माल लेट पहुंचाओ। आज रात किसी भी तरह उस लड़के को ढूंढ कर निकालो, आज उसका फैसला हो जाना चाहिए। कल रेस में जो फर्स्ट और सेकंड आएगा सिर्फ वही एशियन गेम्स खेलेगा। टाइमिंग जरूरी है पुगल। हाँ। आज पूरी रात हम लोग रेस्ट करेंगे, हम सब सुबह जल्दी उठेंगे और थोड़ा वार्म अप कर लेंगे। और बेकार में टायर्ड मत होना, समझ गए? ओके, लेट्स मूव। तुम लोग जाओ। बोलो गायत्री। दिनेश सुबह दोस्त के घर अन्ना नगर जा रहा हूँ कहकर गया था, अभी तक नहीं आया। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, देखो कि क्या बात है। ठीक है, उसका नंबर मुझे मैसेज करो। ठीक है सर। हा? सर गांव से मेरा एक और दोस्त आया है। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ ओके सर। हेलो 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 दिनेश, मैं पुगल बोल रहा हूँ, कहाँ पर हो तुम? हेलो पुगल, मेरी जान खतरे में है। मैं चंदा नगर में हूँ। हेलो, हाँ चंदा नगर में, किधर? चंदा नगर में। हेलो हेलो हेलो, नहीं चल सकती, एक बुढ़ी के सारे पैसे भी खेल दिए। अब मैं मेरे पैसे कैसे बटोरूं? तुम बर्बाद हो जाओ, तेरा बेड़ा जाए। ऐसे भाग रहे थे जैसे कुत्ता पीछे पड़ा हो, मेरे सारे पैसे बिखेर दिए। अरे कोई तो मेरी मदद करो। मालिक मालिक, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। ठीक है दादी, भगवान तुम्हारा भला करे। पता नहीं किसे मारने के लिए वो शैतान भाग रहे थे। पूछो से उठाया कि नहीं? जी भाई। Thank you.
हमेशा अपनी मर्जी करता, थैंक यू पूगल, मेरी कभी नहीं सुनता है। कुछ नहीं हुआ, छोड़ो ना, चेहरा देख पूरी तरह से कुछ नहीं हुआ, बोला ना, छोड़ो बेटा, मेरी बात तो सुनना, सुनना। मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। कल सुबह ठीक 10 बजे रेस शुरू होगी मेरी, और जब मैं ट्रैक पर उतरूं तो तुम मेरे सामने रहना, आओगी ना? श्योर। बेटा खाना छोड़ के तू कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर में आया माँ। अभी अभी तो आया है, फिर कहाँ जा रहा है बाइक पर? अर्जेंटली डीसीपी साहब ने मुझे बुलाया है। इतनी रात को? बाय पुगल। हाँ संभल के। मेरा दिल मुझसे शायद कुछ बोल रहा है। क्या क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी और मेरी, मेरी और तुम्हारी बायोलॉजी वर्कआउट हो सकती है। चूड़ियां पहन लेनी चाहिए तुम्हें, बार बार मार खा के चले आते हो। तुम लोगों को तो चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। गोगा, तू जाके ये अधूरा काम पूरा कर, कुछ और लोगों को ले जाना, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे हराए। अगर उससे मारते वक्त कोई भी बीच में आता है तो उसे भी काट डालना। एक होगा, वो तंजावर वाला लड़का कहाँ मिलेगा? उसको अपुन देखता है भाई। आईपी एड्रेस किसका है जरा इंक्वायरी करो। नमस्ते सर। हाँ आओ दिनेश, तुम लोग जरा बाहर वेट करो। सर। बोलो दिनेश। सर आप ही ने कहा था कि आप फेक नोट वालों को रोकना चाहते हैं। आपके कहने पर मैंने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया, लेकिन अब वो मेरे पीछे पड़ गए हैं सर। तुम्हारे दिए हुए उन 4 फेक नोटों से हम उनके नेटवर्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं दिनेश, उन्हें प्लान करके उठाना होगा और उठाएंगे भी। ए, कहाँ है वो? आप पुगल को ढूंढ रहे हैं? उसको तो मैंने गांव भेज दिया। अच्छा, हमारे लड़कों ने 5 बजे उसे ग्राउंड पर देखा और तू बोल रहा है गांव भेज दिया? ए, सुनो, उसे कुछ मत करना। अपन के सामने झूठ नहीं बोलने का। नहीं, नहीं। कल उस साणे का रेस है ना, देखता हूँ ग्राउंड पर कदम कैसे रखता है। Thank you.
को चोट लग गई यार, हम लोग सब जे जे हॉस्पिटल जा रहे हैं, तू भी आ जा जल्दी। सॉरी सर, वो आपसे मिलने गया था, आप पर उसको विश्वास था, पर क्या आप उसे बचा पाए? अब क्या करेंगे सर, आपके ऑफिस के पास ही उसका कत्ल कर दिया, क्या कर पाए आप सर, बताइए आप क्या कर पाए, आप उसे बचा क्यों नहीं पाए? अब आपकी पूरी फोर्स क्या मेरे बच्चे को लौटा सकती है? इसका जवाब दीजिए सर, आप उसे लौटा पाओगे? जाइए सर, जाइए, आप जाइए, जाकर उनकी गुलामी करते रहिए, हमारे बैंक में एक सिक्योरिटी वाला आपसे काबिल है, जाइए, आप जाइए सर, आपसे कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्या चल रहा है यार, बहुत बुरी तरह मारा। ए, क्या हुआ? और क्या, तेरे दुश्मनों ने सर का पैर तोड़ दिया। सर कहाँ है? 215 रूम में। सर, छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। तुमने उन लोगों से बेकार में दुश्मनी मोल ले ली, क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे, सब खो गया। तू ये किन उलझनों में फंस गया बेटा? तुम्हारे पापा के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। Thank you.
सब भूल कर तू ग्राउंड पर जाएगा और मेडल जीतेगा। आप लोग जो ये नोट देख रहे हैं उसमें बहुत सारे नोट नकली हैं। आप लोग ही नहीं, ऑथराइज्ड करेंसी चेकिंग मशीन भी इन्हें मिस कर देती है। संपत के छापे हुए नोट इतने परफेक्ट हैं कि संपत के ऊपर कोई भी काउंटरफिटिंग का एक एफआईआर तक दर्ज नहीं है। उसका छापा हुआ नोट और गवर्नमेंट के छापे हुए नोट में कोई खास फर्क नहीं है। संपत कई तरह के प्रिंटिंग मशीन यूज करता है। ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। संपत के लिए सब कुछ ये काले धंधे की दुनिया ही है। इंडिया जैसी एक्सट्रीमली पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर जाली नोटों का इस्तेमाल करना बहुत बहुत ईजी है। आप लोग जरा ये विजुअल देखिए सर प्लीज। हमारे देश में इस वक्त 1,965,000 करोड़ रुपए का जाली नोट मार्केट में घूम रहा है। पिछले एक साल में 600 करोड़ से ज्यादा जाली नोट आरबीआई ने पकड़ा है। 2012-2013 में 9.5 करोड़ रुपया, 2013-2014 में 19.7 करोड़ रुपया। हमारे जैसे पॉपुलेशन वाले देश में ये जाली नोटों का धंधा चलाना बहुत ही आसान है। ये पैसा दुबई से आता है। इसी तरह जाली नोट अगर हमारे देश में फैलता रहा तो हमारे देश की इकोनॉमी डगमगा जाएगी। इससे बचने के लिए सरकार ने असली नोटों को पहचानने के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं। जाली नोटों का धंधा एक कानूनन अपराध है। नकली नोटों के इस धंधे को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हमारे देश की उन्नति की जड़ें हिल सकती हैं। अभी आपने क्रिमिनल लोगों के जो कारनामे देखे उनमें से संपत एक है, लेकिन वो फरार है। कल तक वो व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन बनकर हमारे सामने आता था, पर आज वो क्रिमिनल्स के लिस्ट में शामिल हो चुका है। हमारा एक खास इन्फॉर्मर विजू ओराइजन और हमारा एक खास विटनेस दिनेश, वो सिर्फ 27 साल का था और संपत ने उसे मार डाला। आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा हूं सर। अगर आप इजाजत दें तो मैं सबको जड़ से उखाड़ दूंगा। मिस्टर उत्तम कुमार, ऐसे नामचीन लोगों पे इमीडिएट एक्शन लेना पॉसिबल नहीं है। वेट कीजिए, देखते हैं। धीरे से, धीरे से सर। आराम से सर। सर इट्स ओके, बैठ जाइए। सर मेरा नाम देवराज है। मैं जानता हूं आप इनके फिजिकल ट्रेनर हैं और ये पुगल है। इसके फादर हैं सुब्रमण्यम जी, तंजावुर में H5 पुलिस स्टेशन में राइटर हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है वो। जी हाँ सर। हर्डल रेस में इसने नेशनल टाइमिंग बीट की है। बॉडी में अगर कहीं जख्म लगे तो खून बंद नहीं होता। कुछ अनजान गुंडों को उस दिन तुम भरी रोड पर क्यों मार रहे थे? उनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? सर मैं वहाँ पुगल। जी सर। एक रिक्वेस्ट है, कल गेम खत्म होने तक आप इसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं सर? एक महीने में करीब 5-6 लाख लोग यहाँ आते हैं, हम किस किस को बचाएंगे बोलो? इस शहर में मेरी लाइफ की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ हर किसी को अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। वेरी सॉरी सर। सर 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 बड़ी फिक्र हो रही है। आप तेरे साथ ना। सर देखो, अगर तुम प्रोटेक्शन चाहते हो तो स्टेट की स्पोर्ट्स अथॉरिटी से बोलो कि वो हमसे बात करे, लेकिन इस सब में 10 दिन लग जाएंगे। मैं तुरंत तुम्हें को प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। बोटी खाया हुआ जिस्म है डॉक्टर, इसलिए अभी भी शरीर पत्थर का है। थोड़ी सी चोट से फर्क थोड़ी पड़ेगा। वो पुगल कहीं फरार हो गया है। वो हमसे बचकर कहां तक भागेगा? अगर वो मेरे हाथ लग गया तो? Thank you.
ये कॉटन अपने हाथ पर लगा लो, ब्लड रुक जाएगा। अब उनका तो रुक जाएगा डॉक्टर, लेकिन अब इसका बहेगा। अरे इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा सा घाव इसकी जान ले सकता है। बस ध्यान रखना उसे मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिले। चलता हूँ भाई। बाय गोगा। भाई इंस्पेक्टर साहब आए। वो इस वक्त यहाँ क्यों आए? कह रहे थे अर्जेंट बात करनी है। ठीक है अंदर भेज। जी आज के आज आप और गोगा बेहतर होगा यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। डीसीपी कोई सीक्रेट प्लान कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा मैं भी नहीं कह सकता। इसको यहाँ से भागने के लिए बोल रहा है। ए गोगा, तो दूसरे का गुस्सा इस पर क्यों उतार रहा है? ये हमारी भलाई की बात कर रहा है। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ गोगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिलहाल कहीं और जाना नहीं भलाई है। आप कैसी बात कर रहे हो भाई? उस बच्चे के डर से अपन भाग जाए? उस लड़के ने मुझ पर हाथ उठाया है। ए शांत हो जा। उसे जब तक जमीन में नहीं गाड़ देता अपन कहीं नहीं जाएगा। ए गोगा सुन, अभी यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। तू कहाँ है? घर पर हूँ, कोई काम है क्या? सुबह 10 बजे स्टेडियम में पहुँच जा, एक लड़के को उठाना है। उसकी फोटो भेज दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। क्या हुआ बेटा? क्या कहा उन्होंने? उन्हें मैंने बहुत रिक्वेस्ट की सर। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, खुद की रक्षा खुद ही करनी पड़ती है। क्या कह रहा है पुगल? चलिए आइए। अब क्या करेंगे? सुन हम सीधा होटल जाते हैं, वहां से कार्तिक के घर जाएंगे। हाँ ए तू एक काम कर, सर को लेके सीधे होटल जा। हाँ। अब मैं हॉस्पिटल जाकर सर का मेडिसिन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है। सुन हाँ? संभल के जाना। हाँ। और सबसे कहना सब एक साथ रहें। जी मैं उनसे कह देता हूँ सर। हाँ। आ जाओ सर संभालो। हेलो हेलो सर, आप आराम से पहुंच गए? तेरे साथ रहेगा तो वो कैसे आराम से पहुंचेगा? तू डीसीपी को मस्का लगाने गया था। हाँ। एक तो गया, अब तेरी बारी है। ए टांग तो पहले ही तोड़ दिया, इस बार पूरा पाहिज बनाऊंगा। हेड पोस्ट के पास खड़ा हूँ, अगर तुझ में सचमुच जिगर है तो आके बचा ली उसे। पुगल को मैंने बाइक से जाते हुए देखा। ओके आई विल बी देयर। यस सर। कंटेनर में डालो इसे। क्या रे कोच, लड़कों को स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग देना छोड़कर गुंडागर्दी सिखाते हो क्या? देखिए हम लोग यहाँ किसी से लड़ने के लिए नहीं आए, हमारे लिए हमारा स्पोर्ट्स ही सब कुछ है। हाँ? वाह क्या बात कही आपने। वो जिंदा रहेगा तभी तो दौड़ पाएगा ना। एक छोटी सी खरोच लगी और खून निकल आया ना, तब भी उसकी सांसें रुक जाएंगी, ये बात मुझे अभी पता चली। पर कोई बात नहीं, मैं उसे एक घाव नहीं उसके जिस्म को पूरे खून से नहला दूंगा। सुनो मेरे भाई, हो सकता है उससे नादानी में कोई गलती हो गई हो, लेकिन लेकिन मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, उसे माफ कर दो, उसे छोड़ दो, उड़ जा, उसको कुछ मत करना। पुगल नहीं नहीं बेटा सो जा यहाँ से। पुगल उठिए सर उठिए, मेरी बात सुन तू। पुगल पुगल क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं पुगल आ जा,
आ, आज तू नहीं बचेगा। Hey! तुम लोग अपना काम करो, वो संभाल लेगा। तेरा और तेरे टीचर का दिन आज पूरा हो गया। तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो समझ ये गया। ए गोगा, खत्म कर दे इसे। Oh.
ये तूने क्या कर दिया पुगल? ए भाई, तू यहाँ कैसे आया भाई? ए कार्तिक, तू ठीक तो है ना? हाँ। तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं सर। सुन पुगल, जो हमें करना चाहिए था वो अब तुम करोगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। सर, मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं। कोई भी अपनी गन यूं उठाकर नहीं देता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं आपके विश्वास पर आंच नहीं आने दूंगा। जब आपने मुझे ही चुना है तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। सर, 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 आपके सिक्योरिटी की डिमांड पूरी हो गई है। जाइए, आप रेस की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट पुगल। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल फॉर द 55th नेशनल सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप फॉर द ईयर 2015, व्हिच इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन दिस ब्यूटीफुल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई। Now you could see some of the teams marching out, and that is the colorful band marching, which is now crossing over. Now we are about to start the key support meter for the band. The other youth will come to the room and will be the first four of the band, 5 kilometer range for the room, the triple jump band, 10 kilometer range for the band, the future group band, the little bird meeting, and the 100 meter. And that is the top final. पुगल, ऑल द बेस्ट बेटा। सर जी, मैं देव बोल रहा हूँ। सर, पुगल कहाँ है सर? वो अभी तैयार हो रहा है, रेस अभी शुरू नहीं हुई है। रेस खत्म होते ही फोन करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हेलो, बेस्ट ऑफ लक। Start point of 110 meter hurdles. Now we are going to start the 110 meter men's final. The lineup for this 110 meter hurdle men's final is as follows. In lane number 1, we have bib number 953 Ria Zermal from Kerala. In lane number 2, bib number 668 Rupa from Andhra Pradesh. In lane number 3, bib number 724 Ashwin from Rajasthan. In lane number 4, bib number 887 Malhotra from Jharkhand. In lane number 5, 727 Pugarendi from Tamil Nadu. In lane number 6, 933, Rahul from West Bengal. In lane number 7, bib number 880, Ramesh from Bihar. And in lane number 8, bib number 650, Uttam Singh from Haryana. This is the lineup for 110 meter hurdles men's final. Let us all wish the 8 finalists all the very best.
इसमें तेरे पापा का सपना और मेरा लक्ष्य जुड़ा है। इसे बचाना या फिर इसे तोड़ना अब तेरे हाथ में है। I have never expected that I will see this boy again. आज हम अगर इस लड़के को बचा पाए तो उसकी वजह है हमारी conference treatment. आज की technology उतनी develop हो चुकी है. जाओ बेटी, वो अब ठीक है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है. मुझे एक कप चाय देना। चाय को कुछ देर और उबालती तो अच्छा स्वाद आ जाता। आपकी ही बनाई हुई चाय है, मैं तो सिर्फ गर्म करके लाई हूँ। नेहरू स्टेडियम में एशियन गेम के लिए जो सिलेक्शन के लिए रेस हुई उसमें 110 मीटर के रेस में कोच देवराज के शिष्य पूगल ने गोल्ड मेडल जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए सरकार ने तंजावुर पुलिस स्टेशन में उन्हें इंस्पेक्टर के पद में नियुक्त किया। He's a cop, come on, he's a police. He's a man with the man, mad with the action. Everybody come on, look for the passion. Frustration, urwagum, even parfait bata. Oh, oh, vechakuri, adita padi. Payum iti, yeah, even that. Yeah, Baba, आपको ये शोभा नहीं देता। ये सैल्यूट मैं तुझे नहीं कर रहा बेटा, तेरी पोस्ट को कर रहा हूँ। लेफ्ट वाले को ठीक से बांधो। हाँ और फिर उंगली से जोर से दबाकर इसे रखो, ठीक है? समझ गए? हाँ। ऐसे समझ गया। अरे सैल्यूट से। <laughs>